अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैते वयुताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। बरवक़्त टीवी के प्रोग्राम हयात तैयबा के तीसरे प्रोग्राम में आपकी होस्ट सैयदा फरवा बतूल काज़मी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया चल रहे हैं, इसी मुनासबत दुख्तर रसूल खुदा और मादर हसनैन करीमैन और ज़ौजा अली मुर्तज़ा की हयात अकदस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए बरवक़्त टीवी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। आज हमारे साथ बरवक़्त टीवी के स्टूडियो में जो मेहमान खसूसी तशरीफ़ फरमा है, उनका इस्मे गिरामी है ज़ाकरा साहिरा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकरा साहिबा। आपने बरवक़्त टीवी को इस अहम मौजू के लिए अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके शुक्र गुजार हैं और बरवक़्त टीवी की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं बरवक़्त टीवी की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनाबे ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की बाहैसियत कनीज़ उनकी शान बयान कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका साहिरा साहिबा। मेरा आपसे सवाल यह है कि जनाब फ़ातिमा तुज़्ज़हरा दुख्तर रसूल खुदा बहुत अच्छा उन्होंने अपना किरदार अदा किया, लेकिन ज़ौजा अली मुर्तज़ा उनका मौला अली की ज़िंदगी में क्या किरदार रहा, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। हम देखते हैं कि जनाब ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना अमल है हमारे लिए। उनके हुस्न सीरत पर, उनके हुस्न अमल पर, किरदार पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप एक रोल मॉडल की तौर पर, एक नमूने की सूरत में औरतों के लिए इस ज़मीन पर नाजिल हुई हैं। आप नूर हैं, आप नूर ही नूर हैं, लेकिन एक लिबादा जो इंसानियत का आपको उड़ाया गया वो औरतों के लिए है, सैयदातुन निसाइल आलमीन है। आप तमाम औरतों की सरदार हैं, जन्नत की मालिकन है, जन्नत के जो सरदार हैं उनकी माँ हैं, दुनिया की औरतों की भी सरदार हैं। दुनिया की औरतें जितनी भी हैं आप उनके लिए एक मॉडल के तौर पर आई हैं। दुनिया में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बाहैसियत बेटी आप देखते हैं कि बेटियों का एहतराम बहुत है, रहमत समझी जाती है बेटी, मगर जो खुद रहमत लिल आलमीन है उनके लिए मेरी बीबी पाक शहजादी सलामुल्लाह अलैहा रहमत बनकर नाजिल हुई हैं। उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, उनकी शान इतनी अजीम है कि हमारी ज़ुबान कासिर है, हमारे पास इतना इलम नहीं। कायनात ख़त्म हो सकती है लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल, उनकी शान, उनका मर्तबा बताना नामुमकिन है। बाहैसियत बेटी, बाहैसियत मादर, बाहैसियत ज़ौजा, हर एक इंसान का खुदावंद ने जोड़ा बनाया है। इस दुनिया में खुदा कहता है कि मैंने सबको जोड़ों में उतारा है, इनका जोड़ा खुदा ने आसमान पर बनाया। रसूल के घर की बेटी है और अल्लाह के घर का बेटा है। बाहैसियत ज़ौजा आप देखें, पहले बेटी है, खुदा बंदे मुताल का रसूल परेशान है कि मेरी बेटी जवान है, हो गई है, मैंने इसकी शादी करनी है। मेराज पर आसमान पर बुलाया रसूल को, खुदा ने फरमाया ए रसूल परेशान नहीं हो, अगर तू बेटी का बाप है तो मैं बेटी का रिश्ता मैंने आसमान पर जोड़ा है, आसमान पर अर्श पर मेरे बीबी का और मेरे मौलाए कायनात अबू तुराब हल्लात मुश्किलात उनका जोड़ा, उनका रिश्ता आसमान पर अर्श मुअल्ला पर बना है। आप देखते हैं कि बीबी फातिमा तो ज़हरा की उम्र 18 बरस, 9 साल बीबी ने बाप के घर में गुजारे, तो कायनात में, पूरी कायनात में आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसी बेटी दुनिया में ना आसमान वालों ने देखी थी ना ज़मीन वालों। और जो 9 बरस मेरी बीबी ने, पाक शहजादी ने शौहर के घर में गुजारे, तो ऐसी बीवी दुनिया ने, आप यकीन जाने, दुनिया में, कायनात में आसमान वाली मखलूक ने ना ज़मीन वाली मखलूक ने देखी है। ज़िरा बेचकर अली ने शादी की तमाम इंतजाम किए, एक ही लिबास अरूसी खरीदने की हैसियत थी अली की, एक लिबास अरूसी खरीद कर दिया अपनी बीवी को, लड़की है। हम देखें
जब शादी के इंतजामात होते हैं, लड़कियों की ख्वाहिशात, लड़की ये चाहती है, लड़की को ये चाहिए, माँ बाप को तंग कर रही है, ससुराल वालों को ख्वाहिशात बहुत है, ये चीज़ चाहिए मुझे, ये फला चीज़ नहीं है, जेवर नहीं है मेरे पास, अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन बीबी की शान क्या है? मेरी पाक शहजादी का मर्तबा देखे, उनकी अजमत, वो जन्नत की मालिकन है, ये जमीन आसमान दरिया बहरोबर ये सब कुछ मेरी बीवी के जहेज में है। बेशक किस शान से दुल्हन बनी है उनकी जौजा, उनकी अजदवाजी जिंदगी पर हमने रोशनी डालनी है, किस शान से जौजा बनी है। यासीन का सहरा है, ताहा का, ताहा की लड़ियां हैं, मुजम्मिल की मेहंदी है, मुफलहून के खजाने हैं, शराबन तहूर के आप देखें कि पानी बह रहे हैं, नहरें रवा दवा हैं। इस शान से मेरी बीवी जो है वो दुल्हन बनी। एक ही लिबास से अरूसी है और दूसरा वो लिबास है जहेज में जिसमें पेवन लगे हों, जा बजा दुल्हन बन रही हैं। आप अपने इस जिंदगी पर भी रोशनी डालें, जरा नजर करें कि हमारे आजकल की लड़कियां किस दौड़ में हैं, किस भागम भाग में, और बीबी की शान देखें, वो सैयदातुन्निसा आलमीन है, वो आबिदा है, वो ताहिरा है, वो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, वो साजिदा है, वो मैं कहती हूँ कि ताहिरा है, आबिदा है, उनके जात इतनी पाक की शान से दुल्हन बनी। और कोई ख्वाहिश भी नहीं है, कोई ख्वाहिश भी नहीं है, जन्नत की मालिकन ऐसे नहीं बन गई, उनकी ख्वाहिशात नहीं है। वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, खुदा कह रहा है मुझे ये हस्तियाँ इतनी अजीज हैं क्योंकि ये कुछ नहीं चाहती, इनकी वही ख्वाहिश है जो मैं चाहता हूँ। दो लिबास में दुल्हन बनकर शौहर के घर में मेरी बीवी आई है, एक लिबास अरूसी है और दूसरा लिबास पेवन शुदा, जा बजा पेवन लगे हुए हैं। आप देखें वाकया है मेरी बीवी का, जौजा बनकर आई, बीवी बनकर शौहर के घर में आई है, बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, आसमान वाले भी जानते हैं इनकी शान मर्तबे को, इनके बुलंद किरदार को, क्योंकि आप देखें कि कायनात में खुदा कहता है ऐसी ताहिरा, ऐसी पाक शहजादी मैंने खल्क ही नहीं की, ये इतनी पाक है। बस दो लिबास में आ गई शौहर के घर में, रात के वक्त जब साहिल ने सदा दी है गली में कि है कोई खुदा का बंदा ऐसा जो मुझे लिबास अता करे, तो मेरी बीबी ने क्या किया, वो पेवन शुदा लिबास नहीं दिया, लिबास अरूसी शादी वाला लिबास, शादी के कपड़े उतार कर खुद पेवन शुदा लिबास पहना और वो लिबास उतार कर साहिल को दे दिया। सुबह जब बाप आए मिलने के लिए अपनी बेटी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आकर देखा कि रात को तो शादी हुई है और सुबह पेवन शुदा लिबास पहना हुआ है। पूछा जरूर, कहा बेटी नया लिबास कहाँ गया, तो मेरी बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा रात को साहिल सदा दे रहा था कि उसे लिबास की जरूरत थी और लिबास अरूसी होते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा पेवन शुदा लिबास दूं, इसलिए मैंने वो लिबास उन्हें साहिल को दे दिया, साहिल को अता कर दिया। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बयान किया, ये तो उन्होंने आपने पहला दिन बयान किया, लेकिन मौला अली की जिंदगी में जनाब फातिमा तो जहरा का क्या किरदार रहा, इस पे आप जरा सी रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल, आप सवाल किया है आपने कि बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा और बहैसियत ज़ौजा मौला कायनात की इज़दवाजी जिंदगी, बिल्कुल शादीशुदा जिंदगी में हमारी बहुत ज्यादा डिमांड होती है शोहर के साथ कि फला चीज चाहिए हमें, हमारा घर सही नहीं चल रहा, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे लिबास होने चाहिए, फला काम नहीं हुआ, शोहर के साथ लड़ाई है। बीबी पाक जहरा मेरी शहजादी जन्नत की मालिकन है, कायनात के जर्रे जर्रे पर आपका कब्जा भी है, आपकी हकूमत भी है, आप चाहे तो कायनात का जर्रा हरकत कर सकता है, अगर रोक दे तो कायनात का जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। वो बीबी इतनी शान वाली बीबी, इतने बुलंद मर्तबे की मालिकन, और जब अली के घर में दुल्हन बनकर आई है, इस दवाजी जिंदगी शुरू हुई है, तो कोई भी ख्वाहिश नहीं शोहर के साथ जी, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरबियत की, आपने शोहर के घर में आकर मलाए कायनात बहैसियत शोहर और बहैसियत इमाम वक्त, वक्त बिल्कुल बीबी के इमाम भी हैं और शोहर भी है, अतात शोहर की भी कर रही है और बहैसियत इमाम भी कर रही है, बिल्कुल बजा ला रही है। शोहर की इज्जत मेरी बीबी
बखूबी अदा कर रही अदा हैं। कर रही और हूँ। बहैसियत इमाम अगर हम देखते हैं कि मौलाए कायनात उस वक्त के इमाम भी हैं मेरी बीबी के, इमाम समझ कर भी मेरी बीबी उनकी बहुत ज्यादा हैसियत बुलंद है और उनकी एहतराम भी है कर रही है और अतात भी बजा ला रही है। अपने लिए पूरी जिंदगी जितने 9 बरस अगर कायनात में देखे ना, मैंने कहा पहले भी कि 18 बरस की उम्र थी बीबी की और 18 बरस में इस दुनिया से चली गई। 9 बरस मेरी बीबी ने शौहर बाप के घर में गुजारे और 9 बरस शौहर के घर। तो जो 9 बरस शौहर के घर में गुजारे ना, आप देखें वो कोई भी बीवी मतलब कोई भी जौजा उस तरह के अमल बजा ही नहीं ला सकती जैसे मेरी बीवी ने बजा लाए। वो हालात मुश्किलात अबू तुराब हैं, मौलाए कायनात हैं, इमाम वक्त हैं और ये शहजादिये कौनैन हैं, ये जन्नत की मालिकन हैं, सैयदातुन निसाइल आलमीन हैं, जन्नत की औरतों की भी सरदार हैं और दुनिया में जो औरतें हैं उनके ऊपर भी सरदारी। अगर जिंदगी गुजारनी है जितने भी इनके हुस्वाए हुस्ना है उन पर अगर हम अमल करें तो जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। यानी कि ये सैयदातुन निसाइल आलमीन ऐसे ही इनको लकब नहीं मिले, जन्नत की मालिकन भी हैं वो। उनकी शान क्या है उनके शोहर की, वो अबू तुराब मिट्टी के बाप है और ये जन्नत की मालिकन है। शान में मर्तबे में दोनों बराबर है। कुफवन आहद है मेरी बीबी, वहां अर्श पर खुदा कुफवन आहद है, फर्श पर मेरी बीबी पाक कुफवन आहद है। अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो मेरी खुदावंदे मुताल की वहदानियत ना बचती। शान में मर्तबे में दोनों बुलंद हैं, दोनों एक ही मकाम पर हैं, दोनों की शान फजीलत जो है वो बहुत आला है। मगर बहैसियत शौहर उनका एहतराम आप देखें, बीबी का कितना एहतराम कर रही है शौहर का। इस दवाजी जिंदगी में पूरे 9 बरस में मेरी बीबी ने कभी भी शौहर से कोई डिमांड ही नहीं की, कुछ मांगा ही नहीं। अगर कभी कुछ मांगा है तो अपने बच्चों के लिए, और मांगने का अंदाज इतना हसीन शौहर से, उनका अदब आप देखें, उनका एहतराम आप देखें शौहर का, बाहसियत शौहर के उनका दामन पकड़कर के बच्चों को ये चीज चाहिए या इस चीज की जरूरत है। ऐसे ही आपको जन्नत की मालिका नहीं बनाया गया, कायनात का ये जो जर्रा जर्रा है कायनात में अर्श पर फर्श पर जो कुछ भी है, बहरोबर पानी समंदर जितना भी कुछ है ये सब तो मेरी बीबी का, ये बीबी के जहेज में। नाजरीन हमारा प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा, आइए हम एक मनकबा जनाब फातिमा तो ज़हरा की शान में सुनते हैं। बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सिन को छोड़
सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, जैसे आप जानती हैं आज का माहौल जिसमें तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, नाचाखियाँ रिश्तों में, मियाँ बीवी में, तो आप क्या समझती हैं कि इस चीज़ का जो तस्करा है, क्या जनाब फातिमा तो ज़हरा की सीरत से हटना है हमारा? बिल्कुल आपने सही कहा, हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करना छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से माशरे में ये बदनज़मी है, शादीशुदा जोड़े जो है वो अक्सर लड़ते रहते हैं, तलाक की शरह बड़ी है, क्योंकि आपस में सही जिसे कहते हैं कि एक ताल्लुक नहीं जुड़ता। हम शौहर से खुश नहीं, शौहर के घर से खुश नहीं, शौहर के भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से हमारी जो है वो ताल्लुक अच्छे नहीं, जिस वजह से शौहर और बीवी की आपस में लगी रहती है खींचातानी। बीबी फातिमा तो ज़ारा की ज़िंदगी के पहलू देखें कि वो पाक शहज़ादी, जन्नत की मालिकन है, बाहसियत इमाम उनकी अतात भी कर रही हैं, बीवी भी हैं और बाहसियत शोहर भी उनकी इज्जत कर रही हैं, एहतराम बजा ला रही हैं। और इनकी अगर हम इनफरादी तौर पर हैसियत देखें, इनकी शख्सियत पर अगर हम रोशनी डालें, तो इनकी शख्सियत, इनकी शान, मैं आपको बताऊं कि ये सैयदातुन निसाइल आलमीन है। मैंने पहले कहा कि जब इन्नी मा खलक्तु समा मबनियातम वला अर्जम मदियातम वला कमर मुनीरम वला शमसम मुजियातम वला फला कहीं यदरू वला बहर यजरी वला फुल कहीं यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लजीना हुम ताहतल किसा। मैं हरगिज पैदा ना करता ज़मीन को जो बनाई गई है, ना आसमान को, ना दरिया को, ना कश्ती को जो दरिया में चलती है, मगर फकत इन पांच हस्तियों के जो चादर के नीचे हैं। अब देखें कि जब अहले आसमान ने सवाल किया जिब्राइल के सवाल पर, लेकिन मुखातिब पूरा अहले आसमान, सवाल पूछा है जिब्राइल ने कौन है चादर के नीचे, कौन है चादर के नीचे। इनकी शान देखे बीबी की, बीबी फातिमा तो ज़ारा मरकज है, बीबी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा इस्मत मआ बीबी मरकज है। हुम फातिमा तो व आबूहा व बालूहा व बनूहा, यानी नाम किस हस्ती का लिया है जिब्राइल के पूछने पर, रसूल का नाम नहीं लिया। मोतबर शख्सियत तो रसूल है, कह सकता था खुदा के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुजुर्ग शख्सियत के जरिए से तारुफ करवाया जाता है, मगर चादर में नाम लिया है फातिमा का। फातिमा है उनके बाबा हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं, यानी अगर फातिमा को पहचान सके, इस्मत माँ इस्मत को पहचाना, तो नबूवत को भी जान लोगे और इमामत को भी पहचान लोगे। आप देखें कि असल होती है जड़ और फरा होती है शाख, असल जड़ जो है वो छुपी रहती है और फरा यानी शाख से पता चलता है। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ कि एक बंदा अगर एमए पास है और वो स्टेशन मास्टर बना है, तो लोग उसे स्टेशन मास्टर के तौर पर पहचानते हैं, ना के कहते हैं कि इसने एमए की डिग्री पास की है, यानी असल जो है वो छुपी रहती है और फरा से पता चलता है। असल क्या है? नबूवत और इमामत जो है वो छुपी हुई और फरा जो है वो शाख है जनाब फातिमा तुज़्ज़ारा। अगर खुदा कहता है कि अगर इस्मत को जान गए तो नबूवत को भी पहचानोगे और इमामत तक भी पहुंच सकोगे, अगर इस्मत को ना जान सके, इस्मत माँ बीबी जो है वो मेरी फातिमा तुज़्ज़ारा, इस्मत को ना पहचाना तो ना नबूवत को पहचाना, ना ही आपने इमामत को पहचाना। आप शान है बीबी की कि आसमान वालों को पहचनवाया है पंजतन पाक को बीबी के जरिए, पंजतन पाक को बीबी फातिमा तो ज़ारा के जरिए से पहचनवाया है। बाहसियत जौजा जब शोहर के घर में हम देखते हैं तो चक्कियां भी पीस रही हैं, झाड़ू भी दे रही हैं और बच्चों को झूला भी झुला रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं। हालांकि अगर एक इशारा करे तो आसमान की मखलूक, जितनी भी आसमान पर खुदा के फरिश्ते हैं, खिदमत के लिए हाजिर हो सकते हैं।
खिदमत के लिए, क्या बीबी नहीं बुला सकती थी कि मैं आज की औरत को देखे काम करने से दूर भागती है, काम हमसे नहीं होता, बहसियत औरत मैं देखूं हम काम नहीं कर सकते। लेकिन वो बीबी, मैंने पहले उनके फजाइल आपको बताए हैं कि बीबी फातिमा तुजारा की शान क्या है, इस्मत के दर्जे पर फायज है। इस्मत के दर्जे पर फायज होने के बावजूद भी अगर वो शौहर के घर में है, चक्की पीस रही है, अपने खातून जन्नत भी है, लेकिन बाहैसियत खातून खाना, खातून खाना अपने तमाम फराइज अंजाम दे रही हैं, बच्चों की निगहदाश्त भी कर रही हैं और शौहर की भी अतात बजा ला रही हैं, चक्कियां पीस रही हैं, आसमान से फरिश्ते आ सकते हैं? रसूल की बेटी आम हैसियत नहीं है बीबी की, अगर हुक्म दे दे तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हो सकते हैं, एक इशारे पर मनो सलवा उतर सकता है, लेकिन बीबी ने मौजजे नहीं दिखाए। एक मॉडल कैसा होना चाहिए औरत के लिए, हमारे लिए मॉडल नमूना बनकर दिखाया है कि अगर मेरी सीरत पर अमल करो तो तुम्हें कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अगर खातून जन्नत हूं मैं तो घर की खातून होने पर, बच्चों की वालिदा होने पर, शोहर की बीवी जौजा होने पर मैं उनकी कैसे हुक्म बजा ला रही हूँ, उनकी खिदमत कर रही हूँ बहैसियत औरत। अगर हम ये सारे पहलू बीबी के देखें और अपनी जिंदगी में इन पहलुओं को शामिल कर लें, थोड़ी सी कोशिश करें, हम सब औरतें थोड़ी सी कोशिश करें कि हमारा घर अच्छा चले, अच्छी रोशनी हो जाए। रोशनी क्या रोशनी बल्बों की नहीं होती, लाइटों की नहीं होती, रोशनी जो है अपने किरदार की होती। अगर हमारा किरदार बाहैसियत जौजा अपने शौहर के साथ अच्छा है, बाहैसियत उनके माँ बाप जो है, सिर्फ शौहर नहीं उनके माँ बाप भी, उनके बहन भाई भी हैं, एक शौहर के साथ जिंदगी नहीं गुजरेगी, उनके पूरी फैमिली की हर एक फर्द के साथ हमारी जिंदगी गुजरेगी। अगर उनके साथ हम अच्छे हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है, शौहर के साथ हमारी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। बच्चों की निगहदाश्त करने पर बीबी को आप देखें कि कैसे उनकी निगहदाश्त की है बीबी ने। अगर हम थोड़ा सा भी उनके पहलू पर अमल कर लेना तो हमारी जिंदगी, ये तलाक की शरह सब कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सहरा साहिबा कि आपने अय्याम फातिमिया पे हमें बहुत अच्छा बयान दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ज़ाकरा साहिबा ने हमें बहुत अच्छा बयान दिया अय्याम फातिमा तो ज़हरा के हवाले से। तो इंशाल्लाह दोबारा बरवक टीवी के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आप अपनी होस्ट फरवा बतूल काजमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।